हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम एक सेशन में पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। मतलब आपको लगेगा कि जैसे आप चैप्टर नहीं, आप देश का ट्रैवल कर रहे हो। यू आर लुकिंग एट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स, है ना। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये वाला चैप्टर पढ़ के जब आप जाते हो, जब आप रेड फोर्ट जाते हो, जब आप ताजमहल जाओगे, यू नो, जब आप चारबाग जाओगे, तो आपके मम्मी पापा को आप जब ये फैक्ट्स बताओगे तो दे विल बी ब्लोन अवे बाय योर नॉलेज। तो बहुत मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड में मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए हैं, जिसके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। सो लेट अस बिगिन। माय नेम इज सुरभि गुप्ता एंड आई एम योर सोशल स्टडीज एजुकेटर हियर एट वेदांतु। दिस इज माय थर्ड ईयर ऑफ टीचिंग हियर एट वेदांतु। उससे पहले मैं काफी साल पढ़ा चुकी हूँ। That's a little bit about me. Do not forget to give a thumbs up, guys. वहीं पर thumbs up का option है, उसको दबा दो। Subscribe to the channel of Young Wonder. Subscribe का भी option है आप पे। And do share this video with your school friends. Alright? So let us begin with the thought for the day. Every day might not be good, but there is something good in every day. ठीक है, कभी कभी होता है कि आपका दिन अच्छा नहीं जाता। आप कहते हो यार आज का दिन अच्छा नहीं था, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई थिंक अबाउट यस्टरडे और टुडे, यू नो, फॉर मी आई हैव नॉट बीन वेल। और कल तो ऐसे मैं बिस्तर पे सो गई थी, बिकॉज आई वॉज सुपर टायर्ड और मेरा सिर बहुत दुख रहा था एंड आई वॉज फीलिंग वेरी लो। बट एट द एंड ऑफ द डे एक हैबिट बना रखी है मैंने, और जो हम सबको बनानी चाहिए, मैंने भी रिसेंटली सीखी है कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जा रहे हो, नो मैटर आप कितने दुखी हो, फाइंड आउट समथिंग, वन थिंग दैट वेंट गुड इन द डे। बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे दिन में एक भी अच्छी चीज़ ना हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी यस्टरडे द फूड दैट आई एट वॉज सुपर सुपर टेस्टी, सो दैट लाइक उस मोमेंट पे आई फेल्ट गुड एंड दैट इज वॉट आई रिमेंबर्ड बिफोर गोइंग टू स्लीप। तो दैट इज यू नो द थॉट फॉर द डे। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स लुक एट अ वेरी फन फैक्ट। बुलंद दरवाजा जो है, बुलंद दरवाजा विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेरी इंटरेस्टिंगली लाल दरवाजा, खूनी दरवाजा, इसके बारे में एक अलग स्टोरी है, कभी पढ़ेंगे। तो बुलंद दरवाजा हैज अ सीक्रेट टनल टू लाल किला। तो दो सीक्रेट टनल्स जाती है बुलंद दरवाजा पे से, एक है लाल किला तक, रेड फोर्ट तक, एंड दूसरा है टू अ सीक्रेट रूम, राइट। अगर हम पुराने मॉन्यूमेंट्स को ध्यान से देखें ना, तो काफी सीक्रेट पैसेजेस छुपे हुए होंगे यहाँ और वहाँ। और तो गाइस जल्दी से मुझे अभी बता दो, विच मॉन्यूमेंट एम आई लुकिंग एट राइट नाउ। ये जो आपका सामने आपके मॉन्यूमेंट है, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, कौन सा है और आपने कहाँ देखा है? जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू हैव गेस्ड कुतुब मीनार, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये लो चॉकलेट मिल गई, खा लो। चलो, कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है, इट इज फाइव स्टोरी हाई, फाइव स्टोरीज या फाइव फ्लोर्स का है, कहानी वाला स्टोरी नहीं, फ्लोर वाला स्टोरी। इट इज फाइव स्टोरीज हाई और जो फर्स्ट बालकनी है यहाँ तक, इसको बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद बाकी जो चार फ्लोर्स हैं वो इल्तुतमिश और कुछ और लोगों ने बनाए थे, ठीक है, मोस्टली इल्तुतमिश एंड कुतुबुद्दीन ऐबक ने फर्स्ट फ्लोर तक बनाया। नाउ अगर आप फर्स्ट फ्लोर को देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ इंस्क्रिप्शंस दी हुई है। इंस्क्रिप्शंस मतलब जो सरफेस पे कुछ लिखा गया है, हार्ड सरफेस पे, स्टोन से बनाया ना ये पूरा, तो स्टोन पे जब कुछ लिखते हैं, इंस्क्राइब करते हैं, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंस्क्रिप्शंस पर्शियन में है, राइट। एंड अगर आप सॉरी पर्शियन ही अरेबिक में है, और अगर आप ध्यान से देखोगे, आप देखोगे कि देखो ये सर्कुलर भी है और एंगुलर भी है, सर्कुलर भी और एंगुलर भी है, इसमें एंगल्स भी है और इसमें कर्व भी है। काफी इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट है ये। बट कुतुब मीनार जो है, अगर आप इफ यू लुक एट, हल्का सा टिल्ट हो गया है, बिकॉज नाउ इट हैज बीन डैमेज्ड बाय अ लॉट ऑफ अर्थक्वेक और लाइटनिंग, जो दिल्ली में बहुत ज्यादा होती है। नाउ वी विल सी दैट बिटवीन द 8th एंड द 18th सेंचुरी दो तरीके के स्ट्रक्चर्स राजा बनाते थे। पहला जो स्ट्रक्चर है वो राजा अपने खुद के कंफर्ट के लिए बनाता था, जैसे बड़े बड़े महल हो गए, यू नो, ही वुड मेक इट फॉर हिज ओन कंफर्ट, लाइक बिग पैलेसेस, ह्यूज ग्रैंडियोस गार्डन्स, बड़े बड़े गार्डन्स हो गए, टूम्स हो गए, यू नो, ये सब राजा अपने लिए खुद के लिए बनाते थे। और कुछ जो स्ट्रक्चर्स होते थे वो पब्लिक के लिए बनाए जाते थे,
ठीक है, पब्लिक मतलब लोगों के लिए बनाए जाते थे, उनके वेलफेयर के लिए, उनके आराम के लिए, जैसे रेस्ट हाउसेज हो गए, जैसे कोई टूरिस्ट आ रहा है तो वो रेस्ट हाउस में रह सकता है, फॉर एग्जाम्पल मॉस्क्स, टेम्पल्स, टैंक्स, बाजार्स, ऑल ऑफ दीज वर यू नो बिल्डिंग्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. अब राजा है तो लोगों के लिए तो कुछ करेगा ना, बस बैठ के ग्रेप्स थोड़ी ना खाएगा, राइट? नाउ बिटवीन द 7th एंड द 10th सेंचुरी. अच्छा, नाउ क्या हम देखते हैं कि धीरे धीरे, पहले तो क्या होता था, पहले दीवार बनती थी और एक छत बन जाती थी, ठीक है, तो एक जमीन पे घर बनते थे, दीवार और छत. बट 7th और 10th सेंचुरी के बीच में जो आर्किटेक्ट्स है वो सुपर स्ट्रक्चर बनाने लगे. सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो ऊपर का सारा पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है. तो दो डिफरेंट, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का सुपर स्ट्रक्चर है, दो अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एग्जिस्ट करती है. पहला जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैबिएट स्टाइल, ठीक है. मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर देती हूँ यहाँ. उसको बोलते हैं ट्रैबिएट स्टाइल. तो ट्रैबिएट स्टाइल में क्या होता है, वी हैव टू वर्टिकल कॉलम्स और उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल कॉलम, और उसके ऊपर आपका सुपर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम शिखर भी बोलते हैं. शिखर मतलब टॉप, मोस्टली मंदिरों में आपको दिखता है, यू सी इट इन टेम्पल्स. सो यू हैव टू वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल कॉलम ऑन द टॉप, एंड देन यू हैव योर सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है. एंड फिर आता है आपका आर्क्यूएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. आर्क्यूएट में यू हैव एन आर्च, इस तरीके का आर्च होता है, ठीक है, और इस आर्च पे वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर होता है. द एंटायर वेट ऑफ द बिल्डिंग इज ऑन द आर्च. तो जो आर्च है वो अलग अलग ऐसे स्टोन से बनाए जाते हैं, ठीक है, और जो बीच वाला स्टोन है, की स्टोन, जब उसको लगाते हैं तब वो फाइनल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो यू नो आर्च पे जाता है और यहाँ पर सारा वेट आता है, ठीक है. तो इसका ये जो पार्ट होता है आर्च पार्ट, इसको डोम बोला जाता है. सो किस टाइप का आर्किटेक्चरल स्टाइल से, ट्रैबिएट स्टाइल, जहाँ पर आपके दो हॉरिजॉन्ट वर्टिकल कॉलम्स और फिर हॉरिजॉन्टल कॉलम, एंड फिर आपका सुपर स्ट्रक्चर. एंड आर्क्यूएट स्टाइल वेयर यू हैव एन आर्च एंड द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर इज ऑन द आर्च, ठीक है. नाउ 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, नाउ शुरू में तो ट्रैबिएट स्टाइल ही यूज होता है, इट इज ओनली आफ्टर द 12th सेंचुरी दैट आर्क्यूएट स्टाइल बिकम्स पॉपुलर, ठीक है. एंड वन अदर थिंग दैट बिकम्स पॉपुलर इज सीमेंट, कॉन्क्रीट गेट्स इन्वेंटेड. तो जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन और सीमेंट को मिक्स करके आपको कॉन्क्रीट मिलता है. नाउ बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ कॉन्क्रीट वी आर एबल टू मेक मच यू नो द बिल्डिंग्स मच फास्टर एंड मोर ब्यूटिफुल एंड मच ग्रैंडर, राइट. याद रखना, क्वेश्चन में आता है व्हाट आर द टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस इन आर्किटेक्चर इन द 12th सेंचुरी. पहला है आर्क्यूएट स्टाइल और सेकेंड है यूज ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है. अब हम लेट अस लुक एट अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर जिसका नाम है कंदरिया महादेवा टेम्पल. तो ये है आपका कंदरिया महादेवा टेम्पल. यू नो ये जो टेम्पल है इट वॉज डेडिकेटेड टू गॉड शिवा एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द 11th सेंचुरी. सोचो कितना पुराना है, बाय धंग देवा ऑफ द चंडेला डायनेस्टी. तो अगर आप इस मंदिर को देखोगे, दिस टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड वेरी, आई मीन यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन टेम्पल्स लाइक दैट, जिसमें सबसे पहले आपका आता है ऑर्नामेंटल गेटवे. ऑर्नामेंटल गेटवे मतलब ऑर्नामेंटल होना चाहिए, कि बहुत ही सुंदर सा गेटवे है, बहुत अच्छा स्कल्पचर वगैरह बना हुआ है जब आप एंटर करते हो टेम्पल को. फिर उसके बाद आपका जो मेन हॉल होता है जहाँ पर डांसेस भी होते हैं, जहाँ लोग एक दूसरे से बातें भी करते हैं, जहाँ कॉमन लोग आके पूजा करते हैं भगवान की, यू नो मंदिर में उसके बड़ा सा जो हॉल होता है उसको हम लोग बोलते हैं महामंडप, ठीक है. और ये वाला अंदर वाला जो एरिया होता है जहाँ पर भगवान की आइडल रखी होती है, आप देखते भी हो ना कि जो भगवान का आइडल है वो अलग एरिया में रखा होता है, एक गेट सा बना होता है बंद लॉक किया हुआ, मतलब आप दूर से पूजा कर सकते हो महामंडप में बैठकर. तो वो जो एरिया होता है उसको बोलते हैं गर्भगृह. नाउ जो गर्भगृह है वहाँ पर ओनली द किंग एंड द रॉयल फैमिली एंड द प्रीस्ट, जो पुजारी है, ही वॉज अलाउड इनसाइड. कॉमन पीपल आज भी, मतलब VIP लोगों को ही वहाँ अलाउ करते हैं, है ना, VIP कल्चर मंदिर में भी है ना. सो द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स, ठीक है. अब एक और टेम्पल के बारे में अगर हम बात करें, राजा राजेश्वरा टेम्पल, बहुत फेमस है थंजावुर में. एंड ये टेम्पल इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम इट हैड द टॉलेस्ट शिखर. अब आप देख रहे हो ट्रैबिएट स्टाइल है ना, पूरा सुपर स्ट्रक्चर जो है दो वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल बीम के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है.
तो व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ इट इज द टॉलेस्ट शिखर आर्किटेक्ट्स प्लेस्ड. हाँ, तो अब इन्होंने टॉलेस्ट शिखर कैसे बनाया, जो आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने ऐसा इंक्लाइंड प्लेन बनाया पहले, और उसके ऊपर पत्थर ले जाते थे और फिर ऊपर शिखर के ऊपर पत्थर रखा जाता था. अब ये इंक्लाइंड प्लेन इतने सालों तक रहा, इट took so many years for the temple to get built, कि the village around the temple started being called Charupallam, village of the incline. इसको इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं ना, मैथ्स में पढ़ा होगा, जो स्लोप होता है. तो क्योंकि वो स्लोप इतने टाइम तक वहाँ रहा, उसको यूज किया गया, दैट इज वाई द विलेज अराउंड द टेम्पल स्टार्टेड बीइंग कॉल्ड चरुपल्लम. ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि मेडिवल टाइम्स में बहुत सारे टेम्पल्स और मॉस्क्स कंस्ट्रक्ट किए जाते थे. क्यों? उस टाइम के जो राजा थे वो ज़्यादा पुजारी थे, ज़्यादा भगवान के, यू नो, देवर क्लोज टू गॉड. नो, नथिंग लाइक दैट. आई मीन, हाँ, दे वॉन्टेड टू शो दैर डिवोशन टू गॉड, बट इसके पीछे पोलिटिकल रीजन भी होता था. जो राजा होते थे ना, वो चाहते थे कि लोग हमसे प्यार करें, है ना. तो टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करके वो ये दिखाना चाहते थे कि देखो, जैसे तुम भगवान की, यू नो, जो भगवान है जिसको आप मानते हो, हमने उनके लिए घर बनाया है, इतना ग्रैंड टेम्पल बनाया है, तो तुम हमारी भी बात सुनो. यू नो, यू जस्ट लाइक यू वर्शिप गॉड, यू शुड ऑल्सो वर्शिप अस, बिकॉज गॉड माइट बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड, बट वी आर द किंग ऑफ दिस रीजन, राइट. Not just that, they made very grand temples to show their power, their wealth and their devotion to patron, matlab to God. King Raja Deva built temple Raja Rajeshwara for the worship of his God Raja Rajeshwaram. Ab aap kahoge ki ma'am sabka name kitna same hai, इसके पीछे भी एक रीजन है. तो गॉड का नाम है राजा राजेश्वरम, उससे उन्होंने अपना नाम रखा राजा देवा एंड टेम्पल का नाम रखा राजा राजेश्वरा टेम्पल. जान के करते थे, जिसे लोगों को लगे कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं जब हम राजा का नाम ले रहे हैं, राइट. ऑल राइट, द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाई किंग्स, बट जो मर्चेंट्स होते थे, यू नो, थोड़े रिच लोग होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वो लोग भी टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करते थे, ठीक है, पैसे देके. ना किंग्स, जो उस टाइम पे मेडिवल टाइम्स में जो किंग होता था उसको मॉरल और गुड, अच्छा राजा तब माना जाता था व्हेन ही कंस्ट्रक्टेड, यू नो, व्हेन ही कंस्ट्रक्टेड प्लेसेस ऑफ वर्शिप. हाँ, यू नो, व्हेन ही गेव वाटर टू द कॉमन पीपल. जहाँ भी मंदिर होता था वहाँ पानी, तालाब जरूर बनाते थे, या गुरुद्वारा होता था तब वहाँ तालाब होता है, मॉस्क होता है वहाँ रेजरवायर होता है, यू नो. तो देर वॉज ऑलवेज वाटर दैट वॉज अवेलेबल, बिकॉज इट वॉज थॉट दैट If a king is just, then he will provide plenty of rain, plenty of water to the people. For example, Sultan Iltutmish में जब Delhi Ukhana ने बड़ा सा reservoir बनाया, तो जिसका नाम था Hauz-e-Sultani. अगर आप Delhi में हो तो Hauz Khas के पास आपको दिखता होगा, वो बहुत सुंदर है. Then he was praised by the people. Now, जब भी राजा, जब भी किंग्स वुड अटैक ईच अदर, दे वुड अटैक ईच अदर्स टेम्पल्स. वाई? टेम्पल से क्या दुश्मनी है राजाओं को? बिकॉज आई टोल्ड यू, टेम्पल्स वर अ सिंबल ऑफ किंग्स पावर, है ना, ऑफ किंग्स वेल्थ. तो जब वो एक दूसरे के टेम्पल पर अटैक कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू अटैक ईच अदर्स वेल्थ एंड पावर, है ना. तो जैसे अगर आप अपने फ्रेंड से गुस्सा होते हो, कभी कभी फ्रेंड को नहीं मार पाते हो, कहीं और है, तो आप उसकी पेन लेके उसको तोड़ देते हो, आप बताओ क्या करेगा वो, है ना. तो समथिंग लाइक दैट. सो यूजुअली किंग्स वुड, यू नो, काइंड ऑफ अटैक ईच अदर्स टेम्पल्स एंड लूट दोज टेम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो पांडियन किंग था, किंग श्री मरा श्री वल्लभा, वो जो है गए श्रीलंका, उन्होंने वहाँ के जो सिन्हालीज, यू नो, किंग थे, राजा थे, उनको मारा, एंड वहाँ का जो बुद्धिस्ट टेम्पल है उसको लूट लिया, एंड ही ब्रॉट बैक, यू नो, एन एंटायर बुद्धा का बड़ा सा स्टैचू मेड अप ऑफ गोल्ड. अब गुस्सा आ गया वहाँ के राजा को, तो जो सेना टू है उन्होंने वापस से इन्वेड किया मदुरई को, विच वॉज द कैपिटल ऑफ द पांड्याज, एंड टुक बैक द स्टैचू ऑफ बुद्धा, राइट. ऐसी चीज़ें होती थी. नाउ इन द अर्ली 11th सेंचुरी, चोला किंग राजेंद्रवर्मन ने तो और भी भयंकर चीज़ की. उन्होंने एक शिवा टेम्पल बनाया, जिसमें उन्होंने अपने शिवा की मूर्ति तो रखी, पर साथ ही साथ उन्होंने वो सारी मूर्तियाँ रखी जो उन्होंने और सब राजाओं को हरा के, यू नो, एक तरीके से द ऑल द अदर किंग्स दैट ही हैड डिफीटेड, फ्रॉम देयर टेम्पल्स ही लूटेड इट, ब्रॉट इट बैक एंड केप्ट इट इन हिज ओन टेम्पल. मतलब अलग लेवल टेम्पल चोरियाँ हो रही है.
राइट राजेंद्र वन हैड सीज्ड सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्यास, गणेशा स्टैचू उन्होंने लिया, भैरव भैरवी ऐसे टाइप के अलग अलग स्टैचूज उन्होंने चोरी किए, चोरी मतलब लूट लिया, एंड दैट वाज नॉर्मल. लाइक यू नो आज हम बोल सकते हो वो आया उसने कितनी बार हमारा मंदिर लूटा या हमने कितनी बार मंदिर लूटे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दैट वाज द वे यू नो पावर वाज एस्टैब्लिश्ड, है ना. वी कैन नॉट जज द पास्ट बाय टुडे स्टैंडर्ड्स. यही गलती करते हैं आजकल लोग. हमारा जो पास्ट है वो एक रीजन से है, वो हो गया है, अब उसको आप जज कर रहे हो आज के स्टैंडर्ड से तो वो गलत है, है ना. मतलब उस टाइम पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उस टाइम कोडिंग इंपॉर्टेंट नहीं थी, उस टाइम लोग गूगल पे नहीं बैठते थे. अब मे बी 1000 साल बाद लोग कहे अरे ये देखो ये पूरे टाइम फोन पे लगे रहते थे, हाय. मतलब इट इज़ रॉन्ग, राइट. बट एनी वेज कमिंग बैक, सुल्तान महमूद ऑफ घजनी जो है ही ऑल्सो अटैक्ड अ लॉट ऑफ टेम्पल्स एंड ही अटैक्ड दिस टेम्पल कॉल्ड द सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात, नॉट वंस बट मैनी टाइम्स. वाई? क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट रूलर नहीं थे. टेम्पल को अटैक करके वो लोगों में ये अपनी यू नो ही वॉन्टेड टू एसोसिएट हिज नेम विद द एज द कॉन्करर एज द ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम, राइट. तो इसीलिए ही वुड लूट द टेम्पल सो मैनी टाइम्स. ना वो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. अब क्योंकि हम आपके रिविजन आपके पूरे सिलेबस में थोड़ा पीछे चल रहे हैं, हम आज के ही सेशन में सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर भी कर देंगे, ठीक है. जो बच्चे सीरियसली पढ़ने आए हैं वो कर रहे होंगे हुर्रा. जो बच्चे कह रहे होंगे कि यार मैम क्यों पूरा एक सेशन करा रहे हो आप एक ही वीडियो में, क्योंकि गाइस टाइम वेस्ट होता है ना जब हम बहुत डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. सो वी विल स्टार्ट विद दैट. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ऑल अबाउट मुगल आर्किटेक्चर. बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर है मुगल आर्किटेक्चर, उसके बारे में देखेंगे. बाबर फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट मुगल रूलर थे आपके, उनको ना ये चार बाघ का कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने बुक में, उसके बारे में लिखा बाबर नामा. अब मतलब जैसे सुरभी नामा मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख सकती हूँ, वो अपना लिख रहे थे. तो उन्होंने इस चार बाग का कॉन्सेप्ट दिया, वेयर यू हैव फोर गार्डन्स, चार बाग फोर गार्डन्स विच इज इन अ रेक्टेंगुलर यू नो वॉल्ड एनक्लोजर. उसके बीच में आपके आर्टिफिशियल चैनल्स चल रही है, क्या आर्टिफिशियल चैनल्स चल रही है, एंड दिस इज योर चार बाग. नाउ इसके अलावा मुगल आर्किटेक्चर में काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ें देखने को मिलती है जो बहुत इंटरेस्टिंग है. फॉर एग्जांपल काफ़ी मुगल आर्किटेक्चर में ये सेंट्रल टावरिंग डोम है, ये जो आपको डोम दिख रहा है ना ये दिखता है, या फिर जब आप अंदर घुसते हो तो बहुत ही बड़ा गेटवे दिखता है जिसका नाम होता है पिश्तक. तो ये जो डोम और पिश्तक है ये एक्चुअली टिमुर याद है ना, टिमुर तैमूर अली खान, सैफ अली खान का बेटा, नहीं वो वाला टिमुर नहीं, अजीब ही नाम था, बट टिमुर यू नो जो मुगल्स के एंसेस्टर्स हैं, है ना. तो जो टिमुर थे वो अपने आर्किटेक्चर में ये डोम और पिश्तक यूज करते थे, विच द मुगल्स आर्किटेक्ट्स ऑल्सो गॉट इंस्पायर्ड बाय, ठीक है. अब हम आते हैं सेकेंड आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक पे, एंड दैट इज हुमायूं टूम. हुमायूं टूम दिल्ली में, जल्दी बता दो कौन कौन वहाँ गया है, कैसे बताओगे, रिकॉर्डेड है बता देना कमेंट सेक्शन में अगर आप गए हो तो, ठीक है. तो हुमायूं टूम जो है अगर आप गए हो तो ये हुमायूं टूम है, और उसके चारों तरफ आपके बहुत सारे चार गार्डन्स हैं. तो यह 1 2 3 4 एक साइड, 1 2 3 4 चार गार्डन्स एक साइड, 1 2 3 वैसे चार यू नो बाग हैं चारों तरफ. और अगर आप हुमायूं स्तूप के अंदर जाओगे तो आप देखोगे एक बड़ा सा कोर्टयार्ड है, यू हैव अ ह्यूज रूम, एंड उससे यू हैव 8 rooms दैट आर कनेक्टेड. क्यों 8 rooms, 9, 10 क्यों नहीं, क्योंकि इस्लाम में एक ट्रेडिशन होता है कॉल्ड द हश्ट बिहिश्ट, 8 paradises की 8 अलग 8 अलग अलग तरीके के हेवन होते हैं, ठीक है, पैराडाइसेस होते हैं. तो हश्ट बिहिश्ट और 8 paradises. अगर आप हुमायूं टूम को देखोगे तो उसमें पूरा रेड सैंडस्टोन से बना है, बट थोड़ा थोड़ा एजेस पे वाइट मार्बल भी है, ठीक है. नाउ अब हम दिल्ली से उठ के दिल्ली में ही जाने वाले हैं रेड फोर्ट में. रेड फोर्ट वॉज द रेसिडेंस ऑफ द मुगल्स फॉर मैनी मैनी ईयर्स, है ना. तो शाहजहां ने बनाया था रेड फोर्ट, बहुत ही सुंदर है, कभी जाओ तो ज़रूर उसका लाइट एंड साउंड शो वगैरह देखना. तो इफ़ यू गो देयर यू विल नोटिस इन द रेड फोर्ट यू हैव द दीवानी खास एंड दीवानी आम. दीवानी आम मतलब द आम पीपल, मैंगो पीपल. तो अगर जैसे आप और मैं, हमको राजा से कुछ बात करनी है, पूछना है कि देखो राजा मेरे और मेरे भाई में लड़ाई हो गई, उसको मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है, देन द किंग विल टॉक टू अस इन दी दीवानी आम,
ठीक है, और अगर हम स्पेशल लोग हैं, कोई फॉरेन डिग्निटरीज हैं, इम्पॉर्टेंट यू नो लीडर्स हैं, और कोई जासूस है जिससे राजा को बात करनी है, तो वो बात करेंगे उनसे दीवानी खास में, क्योंकि वो खास लोग हैं। अब वो ऐसे दिखता है दीवानी खास, दिस इज एक्चुअली दीवानी खास, जो दीवानी आम है वो नॉर्मल रेड सैंडस्टोन से बना है, दीवानी खास जो है वो मार्बल से बना है ना। तो इसमें आप देखोगे पिलर्स है, तो दिस इज 40 पिलर्स, इसलिए इसको बोला जाता है 40 पिलर्ड हाउस। ठीक है, नाउ जब आप अंदर जाते हो, देखो रेड सैंडस्टोन से बना है ना, ये है आपका दीवानी आम, रेड सैंडस्टोन दिख रहा है, मार्बल से नहीं है। तो यहां पर आपका जो थ्रोन है शाहजहां का, है ना, तो शाहजहां बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने अपना थ्रोन इस तरीके से लगाया कि व्हेन यू आर फेसिंग द किंग यू आर फेसिंग टूवर्ड्स द वेस्ट। वाई टूवर्ड्स द वेस्ट? बिकॉज आपको पता है ये इंडिया या सऊदी अरेबिया वेस्ट की तरफ है ना, तो सऊदी अरेबिया में आपका मक्का है, जहाँ पर यू नो मुस्लिम्स कंसिडर कि मक्का हमारा मेन एरिया है जहाँ पर हम पूजा करते हैं, तो मुस्लिम जो है हमेशा वेस्ट इंडिया में वेस्ट की तरफ मुड़ कर पूजा करते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से अपना यू नो मॉस्क की तरीके से अपना ये दीवानी आम बनाया, सो दैट जब लोग उनको देखे तो लोग भगवान की तरफ देख रहे हैं, किबला इसको बोलते हैं, किबला डायरेक्शन, किबला की तरफ देख रहे हैं, और जब किबला में देख रहे हैं तो वो भगवान को ही नहीं शाहजहां को भी देख रहे हैं। तो यू नो शाहजहां वो वॉन्टेड इन दिस वे टू शो कि जस्ट लाइक यू आर फेसिंग गॉड यू ऑल्सो फेस मी। ठीक है, वो काफी नहीं था उतना कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड इम्पीरियल कोर्ट। रॉयल जस्टिस मतलब भगवान का जस्टिस एंड इम्पीरियल कोर्ट मतलब राजाओं का कोर्ट। ठीक है, दोनों में इतना कनेक्शन वॉज नॉट इनफ, इस कनेक्शन को और ज्यादा गहराई से शाहजहां ने दिखाया अपने आर्किटेक्चर में। फॉर एग्जाम्पल पीछे जो उनका थ्रोन था उसमें ये है पीथरा डूरा इनले। पीथरा डूरा इनले क्या होता है? पीथरा डूरा उनले होता है जैसे आपने मार्बल ले लिया या कोई भी स्टोन ले लिया, ठीक है, उसमें आपने वो बना दिए इम्प्रेशंस, जैसे फ्लावर काट दिया, बर्ड काट दिया, और उसके अंदर आपने कलर्ड स्टोन्स डाल दिए। ठीक है, दैट वॉज कॉल्ड पीथरा डूरा इनले। तो आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पर कलर्ड स्टोन्स है पूरा, ये क्या है? पीथरा डूरा इनले। ठीक है, अगर आप पीछे देखोगे ये जो है, ये बीच में जो फ्लूट चला रहे हैं, इनका नाम है ऑर्फियस। अब आप कहोगे कि मैम ये ऑर्फियस कहाँ से आया, चांदनी चौक से? नहीं भैया, ये जो है ये ही वॉज अ ग्रीक गॉड, एंड एक स्टोरी ग्रीक यू नो ग्रीक्स के ग्रीक गॉड्स के बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, बहुत पॉलिटिक्स होती थी उनके बीच में, बट ग्रीक गॉड ऑर्फियस जो है वेन एवर यूज टू प्ले द फ्लूट, ऐसे सारे जो जंगल के जानवर है वो एक दूसरे से लड़ना बंद कर देंगे एंड दे विल लिव हारमोनियसली। अब शाहजहां ने क्यों यू नो ऑर्फियस को अपने सर के पीछे बैठा रखा है? क्योंकि वो इस तरीके से लोगों को बताना चाह रहे हैं कि देखो जैसे ऑर्फियस अपना फ्लूट चला के पीस ले आता है, वैसे ही जब मैं अपना जजमेंट दूंगा, है ना, तो आप लोग लड़ना बंद कर दोगे एंड यू विल ऑल्सो लिव इन पीस। राइट, इंटरेस्टिंग ना। ऑल राइट, अब हम अलग चलते हैं आगरा अपने ताजमहल पे। ताजमहल के बिना रूलर्स एंड बिल्डिंग्स चैप्टर है कहाँ, है ना? तो क्या था वो ताजमहल भी शाहजहां ने बनाया। शाहजहां काफ़ी टाइम था उन पे ये सब बनाने के लिए और शौक भी था, मतलब आसान नहीं है। तो ये सब जो हो गए ना, हुमायूं, रेड फोर्ट, ये सब जो है ये चार बाग गार्डन आर्किटेक्चर हो गया एक तरीके से, पर रिवर फ्रंट गार्डन कॉन्सेप्ट ताजमहल में लगाया गया, जहाँ पर एक साइड रिवर था और दूसरे साइड चार बाग था। गॉट इट? ताजमहल के एक साइड था आपका रिवर यमुना और दूसरे साइड था आपका चारबाग। ठीक है, ही अडॉप्टेड दिस कॉन्सेप्ट इन द लेआउट ऑफ ताजमहल। राइट, नाउ शाहजहां को है ना रिवर से बड़ा प्रेम था, ही लव्ड रिवर्स, ही लव्ड कंस्ट्रक्टिंग आर्किटेक्चर ऑन द रिवर साइड, और ही नेवर वांटेड एनी अदर नोबल टू लिव नियर द रिवर। तो जब उन्होंने अपना कैपिटल आगरा से शाहजहांबाद दैट इज दिल्ली शिफ्ट किया, तो जो यमुना रिवर है उसके आसपास जो लैंड है, उन्होंने अपने पैलेसेस बनाए, बड़े बड़े गार्डन्स बनाए, सो दैट जो अदर नोबल फैमिलीज है उनको रिवर से दूर ही लैंड मिले घर बनाने के लिए। सिर्फ अपना फेवरेट जो बेटा था दारा शुको, उसको ही उन्होंने एक वहां पर घर दिया, पैलेस दिया नियर द रिवर, नो वन एल्स।
राइट। सो गाइज दैट वॉज द एंटायर चैप्टर इन वन शॉट। अब मुझे पता है आपको प्रैक्टिस चाहिए, आप कहोगे मैम समझ तो आ गया पर कैसे पता चलेगा हमें समझ आया या नहीं। तो गाइज आई हैव गिवन यू अ वीक क्विज जो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको दबाओ, उसमें 5-6 क्वेश्चन हैं। डू दोज क्वेश्चन एंड यू विल नो इफ यू यू नो अंडरस्टूड द चैप्टर। डू नॉट फॉरगेट दैट इफ यू वॉन्ट टू रीड द चैप्टर इन मच मोर डिटेल, डू यू नो एक अच्छी तरीके से समझना चाहते हो, डाउट सॉल्व करवाना चाहते हो, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द वेदांतु प्लेटफॉर्म। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे। हमारा कूपन कोड है YT जूनियर, YouTube जूनियर, वो लगाओगे तो बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। लेट्स गो ओवर द होमवर्क क्वेश्चंस। ये होमवर्क क्वेश्चंस है एंड आई वांट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइस थैंक यू फॉर कमिंग फॉर टुडे सेशन, यू गाइस आर सुपर स्वीट एंड आई लव ऑल ऑफ यू। एंड डू लेट मी नो कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, क्या मैं कर सकती हूँ सो दैट यू नो लाइफ बिकम्स ईजियर फॉर यू। एंड दैट इज इट, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। बाय बाय, love you.